हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आपने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेजन का नाम तो सुना ही होगा। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो अमेजन का जंगल हमारे पृथ्वी का हार्ट है। मतलब हमारे पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेजन के जंगल से ही प्रोड्यूस होता है। तो चलिए जानते हैं अमेजन जंगल की वो बातें जो पूरी दुनिया से छिपाई गई हैं। फ्रेंड्स, अमेजन का जंगल एक नहीं है बल्कि यह 9 देशों में फैला हुआ है। इसका सबसे बड़ा भाग ब्राजील में 60%, पेरू में 13%, कोलंबिया में 10%, इसके बाद और भी 5 देशों में फैला हुआ है। फ्रेंड्स, क्या आपको ये पता है अमेजन के जंगल में 5 अरब से भी ज़्यादा वृक्ष हैं और ये पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि यहाँ की जमीन भी धूप के लिए तरस जाती है। यहाँ सूरज की किरणें धरती पर पहुँच ही नहीं पाती हैं। विश्व का 62% रैन फॉरेस्ट का हिस्सा केवल अमेजन के जंगलों से आता है। अमेजन के जंगल का कुल क्षेत्रफल लगभग 5.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि हमारे भारत देश के कुल क्षेत्रफल से भी ज़्यादा है। अमेजन का जंगल जो पूरी पृथ्वी के लगभग 4% हिस्से में फैला हुआ है। फ्रेंड्स, तो आइए जानते हैं अब अमेजन की नदियों के बारे में। अमेजन नदी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी है। दुनिया की 20% नदियां अमेजन की नदी में जाकर मिलती हैं। बारिश के दिनों में जब इस नदी में पूरा पानी स्टोर हो जाता है तो कहीं ना कहीं नदी की चढ़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि नदी के इस छोर से उस छोर तक पता ही नहीं चलता। फ्रेंड्स, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेजन के जंगल में लगभग 17,000 से भी ज़्यादा केवल पेड़ की प्रजातियां पाई जाती हैं और यहाँ पर 30,000 से भी ज़्यादा केवल कीड़े मकोड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अमेजन की नदियों में 5,000 से भी ज़्यादा मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं और आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि इस जंगल में केवल 3,000 से भी ज़्यादा स्पाइडर मकड़ी की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अमेजन के जंगल में पाए जाने वाले कुछ खतरनाक जीव जंतुओं के बारे में। फ्रेंड्स, बुलेट आंट एक ऐसी चींटी है जो देखने में बहुत छोटी होती है। आपने चींटियां तो बहुत सारी देखी होंगी लेकिन बुलेट आंट जैसी चींटियां नहीं देखी होंगी। यह चींटी देखने में बहुत छोटी होती है लेकिन इसका डंक बहुत ही जहरीला होता है। इस चींटी का काटना किसी गोली लगने के बराबर होता है, इसलिए शायद इसको बुलेट आंट चींटी कहा जाता है। इसके काटने से बहुत ही असहनीय दर्द होता है जिसे सहन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके काट लेने से बहुत तेज बुखार आ जाता है। ये सब अमेजन के जंगल में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है अमेजन के जंगल में लगभग 120 प्रकार के जहरीले मेंढक भी पाए जाते हैं। चटक सुनहरे रंग के ये मेंढक देखने में तो बहुत ही आकर्षक लगते हैं लेकिन एक मेंढक में 10 लोगों को एक साथ मारने लायक जहर पाया जाता है। यह कई रंग के पाए जाते हैं और यह बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, आपने एनकोंडा सांप को अपने हॉलीवुड फिल्मों में बहुत देखा होगा जिसमें एक ही जगह में कई बड़े बड़े सांप जंगलों में घूमते रहते हैं और वह इंसानों को डायरेक्ट पूरा निगल जाते हैं। लेकिन रियलिटी में अमेजन में इतना ज़्यादा बड़ा एनकोंडा सांप नहीं पाया जाता है। अमेजन के जंगल में एनकोंडा सांप जरूर पाया जाता है लेकिन उसकी लंबाई लगभग 30 से 40 फीट तक होती है, जिसके अंदर जहर तो बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये छोटे से बड़े जानवरों को निगल कर खा जाते हैं और एक बार एनकोंडा किसी को निगल कर खा ले तो ये सांप लगभग 1 महीने तक बिना कुछ खाए भी जिंदा रह सकता है। यह एनकोंडा ज़्यादातर दलदली स्थानों वाली जगह पे पाया जाता है। अमेजन के जंगल में एक ऐसी नदी है जिसका पानी का तापमान 110 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है, जिसमें कहीं कहीं पानी उबलता हुआ भी दिखाई देता है। यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। यहाँ के कुछ निवासी लोगों की मौत हो जाती है तो वे लोग उस बॉडी को जलाने या दफनाने की बजाय ये लोग इस नदी में उस बॉडी को डाल देते हैं। यहाँ के कुछ निवासी इस नदी को स्वर्ग का द्वार भी मानते हैं। अमेजन के जंगल में सबसे खतरनाक जानवर खूनी जगुआर को माना जाता है। यह एक प्रकार की तेंदुआ की प्रजाति का जानवर है और ये बहुत ही फुर्तीला होता है। इंसानों से ये हमेशा दूर ही रहता है और जानवरों को सबसे ज़्यादा मारकर खा जाता है। फ्रेंड्स, अमेजन के जंगल में एक ईगल पाया जाता है और ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसका साइज बहुत ही बड़ा होता है।
इसके पंख की लंबाई 3 फीट से भी ज़्यादा होती है। इसका वजन 5-6 किलो तक का होता है। और सबसे खास बात यह है कि ये पक्षी अपने वजन से 2 गुना वजन अपने पंजों में पकड़कर उड़ सकता है, जिसके कारण इसका सबसे बेस्ट शिकार बंदर माना जाता है। और यह बड़े जानवरों के बच्चों का भी शिकार करता है, लेकिन अब ये प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त हो गई है। अमेजन के जंगल में हजारों कीड़े मकोड़ों और जीव जंतुओं की प्रजातियाँ रहती हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस जंगल के सिर्फ कुछ ही प्रतिशत कीड़ों और जंतुओं के बारे में हमको पता है। जंगल में पाए जाने वाले कीड़े मकोड़े कोई आम कीड़े नहीं होते हैं। ये छोटे से छोटे कीड़े बहुत ही खतरनाक और जानलेवा होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अमेजन के जंगल में जाना चाहते हैं तो अमेजन के जंगल में जाने से पहले मौसम का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी होता है। बारिश का मौसम अमेजन के जंगलों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ पर कब बारिश हो जाती है किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता चलता। ज़्यादा बारिश से यहाँ पर कभी भी बाढ़ आने का खतरा बना रहता है, सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। यही कारण है कि अमेजन को दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल होने के साथ सबसे खूबसूरत जंगल के रूप में भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। थैंक यू।